जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार से 16 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। एसआई सतीश झारिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सूचना द्वारा बताए गए स्थान गलगला चर्च के पास पहुंचकर कार की जांच की तो कार की पिछली सीट और डिक्की में जैविक खाद की पॉलीथीन में अंग्रेजी शराब की पेटियां छिपा कर रखी गई थी, लेकिन कार में कोई भी नहीं था। जिसके बाद किसी तरह कार के दरवाजे खोलकर पॉलीथीन हटाकर देखा गया जिसमें शराब रखी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार और शराब को अपने कब्जे में लेते हुए अज्ञात कार मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 16 पेटी शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। हाँ, सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध शराब लाया जा रहा है। सूचना पर हमारे स्टाफ ने अच्छा कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर एक स्कॉर्पियो वाहन जो कि पहले से खड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पे कोई था नहीं, उसको चेक किए तो वहां पे उसमें काली पन्नी में जो जिसमें जैविक खाद लिखा हुआ है उसमें लिपटे हुए दिखाई दिए, तो संदेह होने पर उसका ताला खोलकर जो है चेक किया, जिसमें 16 पेटी अवैध शराब मिली है। आरोपी का भी तो पता नहीं चला है, पर प्रथम दृष्टया वाहन मालिक इसमें आरोपी है और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। लगभग कितने की होगी ये शराब? ये करीब 1,12,000 कीमती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।